घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर आर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये दुनियादारी है, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का लल्लन टॉप बुलेटिन। हिंदी के एक चर्चित कवि हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, बद्री नारायण। उनकी एक कविता है प्रेम पत्र। वो लिखते हैं, चोर आएगा चुरा कर ले जाएगा प्रेम पत्र, दान में भी प्रेम पत्र ही मांगा जाएगा, और इस तरह से तुलना होती है। बहुत खूबसूरत कविता है। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उस कविता का लिंक भी मिल जाएगा। क्या बचाएंगे आप अगर आपको बचाना ही हो, क्योंकि दुनिया में इस वक्त एक 46,000 साल पुरानी गुफा को बचाने की और उसके नष्ट होने के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इसका संबंध हमारी और आपकी पैदाइश से है, हमारे पुरखों से है, इसलिए इस पर विस्तार से बात करनी ज़रूरी है। इसलिए भी कि इसके चक्कर में कई तुर्रम खां कॉरपोरेट लीडर नप गए। दुनियादारी में आज इसी पर बात करते हैं। माइनिंग फील्ड की एक बड़ी कंपनी है रियो टिंटो, एंग्लो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। नाम से मालिकाना कनेक्शन समझ में आ रहा होगा, एंग्लो मतलब ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलियन मतलब ऑस्ट्रेलिया की। मेटल और माइनिंग, इसकी रैंकिंग में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इसके CEO हैं जीन सेबेस्टियन ज़क। 11 सितंबर को ज़क ने इस्तीफा दिया। इसके साथ कंपनी के दो और बड़े अधिकारियों ने रिज़ाइन किया, और इस्तीफे की वजह, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, 46,000 साल पुरानी एक गुफा। रियो टिंटो की ये कहानी आपको विस्तार से बताऊंगा, पर उससे पहले एक पुरानी घटना सुनाऊंगा। ये जुड़ेगा तो विषयांतर है पर नहीं भी है। ऑस्ट्रेलिया से लगभग 12,000 किलोमीटर दूर बसा है सीरिया का एक शहर पलमायरा। दो हिस्से हैं पलमायरा शहर के, एक तो नया और दूसरा हिस्सा है जिसमें खंडहर हैं। 18 अगस्त 2015 को इन्हीं खंडहरों में एक लाश लटकाई गई। ये लाश थी 82 साल के बुजुर्ग खालिद असद की। खालिद को पहले बुरी तरह टॉर्चर किया गया, फिर भीड़ के सामने उनका गला काट कर लाश को खंभे से लटका दिया गया। और खालिद मारे क्यों गए? वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। जिन खंडहरों में उन्हें मारा गया वो उनकी कर्मभूमि थे। ये खंडहर 2000 साल पुराने पलमायरा शहर के अवशेष थे। ये प्राचीन पलमायरा शहर, जो प्राचीन रोमन साम्राज्य के सबसे अहम कल्चरल सेंटर्स में से एक था, इसकी इमारतें, मंदिर और वहाँ से निकली प्राचीन देवताओं की मूर्तियाँ सब बेशकीमती विरासत थी। 2015 में इसी विरासत पर कब्जा किया इस्लामिक स्टेट ने। उनके लिए मंदिर का मतलब था प्रोपेगेंडा कैंपेन, इसलिए ISIS के आतंकवादियों ने इन अवशेषों को बर्बाद कर दिया। एक मकसद और था, सिर्फ अवशेषों को नष्ट नहीं करना था, वो इस जगह की खुदाई से निकली प्राचीन कलाकृतियों को ब्लैक मार्केट में बेचकर पैसा भी कमाना चाहते थे। इसलिए ISIS के पलमायरा पर कब्जे से पहले ही एक बड़ा काम किया गया। सरकार ने सैकड़ों पुरानी मूर्तियां और कलाकृतियां उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया। आर्कियोलॉजिस्ट खालिद इन कलाकृतियों के कस्टोडियन थे, उन्हीं की निगरानी में ये सब हुआ। फिर ISIS आया और उसने कब्जा किया। उसे लगा कि इन कलाकृतियों की लोकेशन खालिद को ज़रूर पता होगी। एक अफवाह और उड़ी थी उन दिनों कि पलमायरा की खुदाई के वक्त सोने का एक बड़ा खजाना मिला है। ISIS को लगा कि खालिद को उसके बारे में भी पता होगा, इसलिए उन्हें पकड़ा गया। एक महीने तक कैद में रखकर टॉर्चर किया गया। जब कुछ पता नहीं चला तो हत्या कर दी गई। पलमायरा के अवशेष बर्बाद हो गए, वैसे ही जैसे तालिबान के हाथों बामियान की बौद्ध मूर्तियां नष्ट हुई। हम कुछ भी कर लें, मानव इतिहास से जुड़ी इन यादगार धरोहरों को कभी नहीं लौटा सकते, इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। और ऐसा ही एक नुकसान पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जिसके चलते रियो टिंटो कंपनी के CEO को इस्तीफा देना पड़ा। ये क्या है गुफा का मामला? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में पिलबरा नाम का एक इलाका है। इस हिस्से की पहचान है यहाँ रहने वाले ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी। ये वो लोग हैं जो अंग्रेज़ों के ऑस्ट्रेलिया में कब्जे से पहले पीढ़ियों से यहाँ रहते आए थे। इन मूल निवासियों को फर्स्ट ऑस्ट्रेलियंस या फर्स्ट पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया जैसे नामों से पुकारते हैं। इन मूल निवासियों में कई समूह 50,000 साल पहले यहाँ आकर बसे लोगों के वंशज हैं। इन्हीं प्राचीन समूहों में शामिल है पुट्टुकुंटी कुर्रामा एंड पिनिकुरा पीपल्स। नाम फनी लग रहा होगा, पर ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ फनी हो। पुट्टुकुंटी कुर्रामा एंड पिनिकुरा पीपल्स, शॉर्ट में इन्हें कहते हैं PKKP। इनकी बसाहट का इलाका है हेमडज़ली माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज है, पहाड़ हैं, इसी के बीच में एक तंग घाटी है
जो कानगौज के नाम से। यहाँ पर कई प्राचीन गुफाएं हैं, इनमें से कुछ ऐसी हैं जहाँ पर 46,000 साल पहले इंसानों के रहने के सबूत मिले हैं। और PKKP जो समुदाय है, जो आदिवासी समुदाय है, जो वहाँ का मूल निवासी समुदाय है, वो कहता है कि हमारे पूर्वज इन गुफाओं में रहते थे। 2014 में पुरातत्ववेत्ताओं ने यहाँ खुदाई की, इस दौरान अनाज कूटने वाला प्राचीन पत्थर मिला, एक 28,000 साल पुराना औजार भी मिला, 4,000 साल पुराने बाल के अवशेष मिले। DNA टेस्ट से पता चला कि प्राचीन PKKP समुदाय द्वारा एक हेयर बेल्ट बांधी जाती थी सर्दी से बचने के लिए, और ये बाल उस हेयर बेल्ट का हिस्सा था। पुरखों के साथ कनेक्शन आपको PKKP का समझ में आ गया होगा, और इसीलिए ये गुफाएं इस समूह के लिए बहुत पूज्य थी। राष्ट्रीय स्तर पर भी ऑस्ट्रेलिया के लिए गुफाएं अहम थी, इसलिए कि ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पर इंसानी बसाहट की सबसे प्राचीन और आखिरी बची निशानी थी। आपने इतिहास जान लिया, अब वर्तमान पर आते हैं। जुलाई 2020 की बात है। हर साल जुलाई के पहले रविवार से अगले एक हफ्ते तक ऑस्ट्रेलिया में नाइडोक वीक मनाया जाता है। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी समूहों के इतिहास और संस्कृति का जश्न होता है। इस मौके पर PKKP के कुछ लोगों ने कुछ विजिटर्स को गुफा तक ले जाने के लिए एक टूर ऑर्गेनाइज किया। इन लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन भी है, PKKP एबोरिजिनल कॉरपोरेशन। इन्होंने प्रस्तावित विजिट के लिए रियो टिंटो कंपनी से संपर्क करके परमिशन मांगी। कंपनी से परमिशन क्यों? क्योंकि हेमरजली माउंटेन रेंज, जहाँ ये गुफाएं हैं, वहाँ खनिज संसाधन बहुत है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और लौह अयस्क तो बहुत ही ज़्यादा है। आप यूँ समझिए कि हर साल इस इलाके से 100 मिलियन टन से ज़्यादा लौह अयस्क निकलता है। रियो टिंटो एक माइनिंग कंपनी है, उसे इस इलाके में खनन का ठेका मिला है। माइनिंग के दौरान धमाके वगैरह होते हैं, जैसे आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखा होगा, एकदम धूम की आवाज़ के साथ। इसीलिए जब PKKP लोगों को खनन वाले इलाकों में ले जाता है तो वो रियो टिंटो को इत्तला करता है कि भाई आपके यहाँ कोई बम वम धमाका ना हो रहा हो जब हम फलानी साइट विजिट कर रहे हैं। जब PKKP के एबोरिजिनल कॉरपोरेशन ने रियो टिंटो से संपर्क किया, तब जाकर एक बहुत बड़ी बात पता चला कि 24 मई को माइनिंग के दौरान रियो टिंटो ने उन गुफाओं वाले इलाके में कुछ ब्लास्ट किए और इन धमाकों में एक गुफा नष्ट हो गई। ये खबर बाहर आई और ऑस्ट्रेलिया में हंगामा मच गया। ऐसा नहीं कि ब्लास्ट में गलती से ये गुफा नष्ट हो गई हो, जानबूझकर किया गया, लालच के चलते। ये गुफा लौह अयस्क की एक बड़ी खान के रास्ते में आ रही थी। इसे गिराकर कंपनी 80 लाख टन के अतिरिक्त लौह अयस्क भंडार तक पहुंच सकती थी। इस भंडार की अनुमानित कीमत है लगभग 1,000 करोड़ रुपए। गुफा के पार पहुंचने का क्या कोई और रास्ता नहीं था? था। बिना गुफा को नष्ट किए भी कंपनी के पास 3 विकल्प थे। अगर इन विकल्पों का इस्तेमाल होता तो ये धरोहर बच जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि रियो टिंटो नाम की कंपनी ने ऐसा कैसे किया? दुनिया के कई हिस्सों में इकोनॉमी वर्सेस मूल निवासियों की लड़ाई चल रही है। संघर्ष का मूल क्या है? किसी जगह विशेष के मूल निवासियों का उस जमीन पर अधिकार। अपने भारत का उदाहरण लेते हैं, कई हिस्सों में इस तरह का संघर्ष है। मसलन ओडिशा के नियामगिरी में रहने वाले आदिवासियों का संघर्ष। वहाँ के आदिवासी नियामगिरी पहाड़ी को पूज्य मानते हैं। जब वेदांता एल्युमिनियम ने यहाँ से बॉक्साइट निकालने की कोशिश की तो आदिवासी भड़क उठे। ये प्रकरण भारत के सबसे बड़े भू संघर्षों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही संघर्ष था। वहाँ के मूल निवासी अपनी परंपरागत जमीन पर सामूहिक अधिकार चाहते थे, इसमें PKKP भी शामिल थे। अपनी जमीन पर अधिकार पाने के लिए उन्होंने करीब 14 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। फैसला 2015 में आया, लेकिन इस फैसले से पहले दो बड़ी घटनाएं हुई, उन्हें जानिए। पहली घटना 2013 में। इस साल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट की सरकार ने रियो टिंटो को इस इलाके में खनन की इजाज़त दी। इसके अगले साल यानी कि 2014 में यहाँ एक बड़ा आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ और इसमें इस इलाके के प्राचीन इतिहास से जुड़े साक्ष्य मिले। इसी सर्वे में उस गुफा के अंदर 46,000 साल पुरानी इंसानी बसाहट का पता चला। इन आर्कियोलॉजिकल खोजों के एक साल बाद 2015 में आया कोर्ट का फैसला, जिसमें PKKP को उनके नेटिव लैंड पर कानूनी दावा मिला। यानी अब इस ज़मीन के दो बड़े पहलू थे, पहला यहाँ मौजूद खनिज भंडार का इकोनॉमिक महत्व, और दूसरा मूल निवासियों के दावे को मिली कानूनी और पुरातात्विक वैधता। रियो टिंटो को भले ही इस इलाके में माइनिंग का कानूनी परमिट मिला हो, लेकिन यह अधिकार एब्सोल्यूट नहीं था। कंपनी से यहाँ की विरासत के प्रति संवेदनशीलता बरतने की उम्मीद की गई थी, इसलिए जब कंपनी ने गुफा को ढहाया तो इसे अक्षम्य अपराध माना गया। इस घटना से उपजी नाराजगी के चलते रियो टिंटो पर काफ़ी दबाव था। स्थानीय आबादी भड़की थी, कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय साख को बट्टा लगा। इसके कुछ बड़े इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स नाराज हुए। उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, और इसी के दबाव में रियो टिंटो के बोर्ड ने एक जांच बिठाई। रिपोर्ट में बताया गया कि कंपनी के बड़े अधिकारियों को गुफा की अहमियत के बारे में नहीं पता था, और कार्रवाई
इसके नाम पर कंपनी ने सीईओ जीन सेबेस्टियन ज़क समेत कुछ सीनियर अधिकारियों का बोनस काटने का फैसला किया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने इस कार्रवाई को लीपा पोती माना। मामले की जाँच के लिए संसदीय कमेटी बनाई गई, उसने भी यही माना। कमेटी ने कहा कि रियो टिंटो ने जाँच को गुमराह करने की कोशिश की, झूठ कहा कि उसके अधिकारी गुफा की अहमियत नहीं जानते थे। स्थानीय आबादी, सरकार, निवेशक सब रियो टिंटो की लापरवाही से बिफरे थे। जांच के नाम पर की गई लीपापोती ने इस गुस्से को और बढ़ाया। खबर थी कि इन्वेस्टर सीईओ जीन सेबेस्टियन को बर्खास्त करना चाहते हैं। इसके बाद 11 सितंबर को सीईओ के इस्तीफे की खबर आ गई। कंपनी के लॉ एस सेगमेंट के मुखिया क्रिस सॉल्सबरी और कॉर्पोरेट रिलेशंस के एग्जीक्यूटिव सिमोन ने भी इस्तीफा दिया। मैंने कहा था ना, दो और इस्तीफे। पर क्या कोई भी इस्तीफा नुकसान की भरपाई कर सकता है? सत्य यही है कि मानव इतिहास की इस धरोहर को लौटाकर नहीं लाया जा सकता। पीके केपू समूह एपी समूह का कहना है कि इस गुफा का नष्ट होना पलमायरा में हुई बर्बादी जैसा है। जानकार कह रहे हैं कि कम से कम इतना तो हो कि इस घटना से सबक लिया जाए, माइनिंग पॉलिसी पर पुनर्विचार हो, ऐसी पॉलिसी बने जिसमें सभी पहलुओं पर ध्यान रखा जाए ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। ये तो दुनियादारी में बड़ी खबर हो गया। आपने कभी अपने देश में सुना है किसी बड़ी कंपनी ने कोई गड़बड़ी की हो, पर्यावरण के इर्द गिर्द संसदीय कमेटी ने जांच की हो, सख्त सजा की अनुशंसा की हो? मुझे तो याद नहीं आता कि ऐसी कोई कार्रवाई हुई है। आपको याद आता हो तो ज़रूर बताइए, वरना नागरिक के तौर पर अपनी ख्वाहिशों की पोटली में ये अरमान भी बांध लीजिए कि एक दिन हम भी इतने बुलंद लोकतंत्र में रहेंगे जहाँ पर पर्यावरण को लेकर सिर्फ जबानी संवेदनशीलता नहीं होगी। अब सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। पहली सुर्खी लेबनन से है। राजधानी बेरूत के बंदरगाह पर लगातार आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। 10 सितंबर को यहां एक गोदाम में बड़ी आग लगी। लगभग 5 लाख लीटर तेल रखा था। आग के चलते पूरे इलाके में धुआं, फिर भगदड़ और काफ़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू। आपको पता है इससे पहले 8 सितंबर को भी बेरूत पोर्ट पर आग लगी थी। दूसरी सुर्खी अमरीका से है। यहाँ कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी है। हमने आपको पहले भी बताया था ये आग तकरीबन 24 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से फैल रही है और 30 लाख एकड़ से ज़्यादा का इलाका इसमें स्वाहा हो गया। जान की बात करें तो 15 लोगों की गई, 5 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा और पूरा इलाका भट्टी जैसा तप रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये आग जलवायु परिवर्तन का नतीजा है, वही जलवायु परिवर्तन जिसे अमरीका के राष्ट्रपति खिल्ली उड़ाने के अंदाज में बयां करते हैं। तीसरी सुर्खी कतर से है। 12 सितंबर से यहाँ की राजधानी दोहा में अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ता शुरू होने जा रही है। कतर के विदेश मंत्रालय ने 10 सितंबर को इस वार्ता का ऐलान किया। अफगान सरकार और तालिबान में वार्ता की पुष्टि कर दी है दोनों धड़ों ने। इस वार्ता में अफगानिस्तान का भविष्य तय होगा। मार्च 2020 में बातचीत होनी थी, लेकिन कैदियों की रिहाई के सवाल पर दोनों पक्षों के बीच अनबन हुई और फिर बातचीत टल गई थी। ये था सुर्खियाँ। अब बढ़ते हैं तारीख की तरफ। आज तारीख है 11 सितंबर। 2001 के बाद से इस तारीख की सबसे बड़ी पहचान 9/11 वाला आतंकी हमला है। आप सब इस घटना से वाकिफ होंगे, इसलिए आज की तारीख सेगमेंट में हम आपको इस तारीख से जुड़ा कोई और इतिहास बताएंगे। बात 228 साल पुरानी है। तारीख थी 11 सितंबर 1792। इस रोज फ्रांस में चोरी हुई। कुछ चोरों ने फ्रांस के राजसी खजाने पर हाथ साफ कर दिया। अपने साथ कई कीमती चीजें ले गए चोर, पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई मशहूर होप डायमंड की। एक हीरा होप नाम का। क्या था यह होप डायमंड? इंडिया कनेक्शन क्या है? असाधारण हीरा, रंग सफेद नहीं गहरा नीला। आपने सही सुना, गहरे नीले रंग का हीरा। रोशनी पड़ती तो अद्भुत चमक निकलती, अद्भुत चमक। कहते हैं कि जब सारी रोशनी बुझा दो तो कुछ देर तक ये लाल रंग की आभा भी छोड़ता है। और ये हीरा जानते हैं कहाँ से निकला था? ये निकला था भारत की गोलकुंडा खदान से। इसी गोलकुंडा की खदान से कोहिनूर भी निकला था। कहानी ये है कि ये हीरा भारत के एक मंदिर में रखा था, एक देवता की मूर्ति में टका था। किसी ने मंदिर से हीरे को चुराया, फिर मंदिर के पुजारी ने शाप दिया। ये कहानी है हीरे के साथ शाप की कहानी, कि पुजारी ने शाप दिया कि देवता की मूर्ति से चुराया गया ये हीरा जिसके पास जाएगा उसका बुरा अंजाम होगा। होप डायमंड कर्स लोगों की जबान से होता हुआ, किस्से कहानियों से होता हुआ देश विदेश में मशहूर हो गया। भारत से ये फ्रांस कैसे पहुंचा? कहते हैं कि फ्रांस से भारत आए एक सौदागर जीन टावर्नियर ने इसे खरीदा, फिर उसने फ्रांस के राजा लुई 14वें को मोटी रकम में हीरा बेचा। राजा ने अपने एक खास रिबन में इस हीरे को गुथवाया। खास मौक़ों पर इस रिबन को पहनते थे राजा, और यहाँ भी हीरे से जुड़ा कथित शाप जुड़ा रहा। सौदागर जीन टावर्नियर को जंगली कुत्तों ने मार दिया और हीरा खरीदने वाला राजा लुई 14वां फ्रेंच क्रांति के बाद गला काट कर मार डाला गया।
11 सितंबर 1792 को हुई चोरी के बाद लगभग 40 साल बाद तक ये हीरा गायब रहा। फिर खबर आई कि ब्रिटेन के राजा जॉर्ज चतुर्थ के पास। जॉर्ज की मौत के बाद 1839 में लंदन के एक बैंकर फिलिप होप ने इस हीरे को खरीदा। उन्हीं के नाम पर फिर इस हीरे को नाम मिला होप डायमंड। इसके बाद ये कई बार खरीदा और बेचा गया। इसके आखिरी खरीदार थे अमेरिका के हैरी विंस्टन। उन्होंने 1947 में इस हीरे को खरीदा, लेकिन इस हीरे के चलते विंस्टन को बहुत अटेंशन मिलने लगा। तंग आकर 1958 में उन्होंने वॉशिंगटन स्थित स्मिथसोनियन म्यूजियम को यह हीरा दान कर दिया। कई लोग कहते हैं कि विंस्टन ने हीरे के साथ जुड़ी शाप की कहानी सुनने के चलते हीरा दान किया। 1958 से हीरा उस म्यूजियम में रखा है। हर साल 70 लाख से ज़्यादा लोग इस हीरे को देखने इस म्यूजियम में पहुँचते हैं। और आपको पता है, यह हीरा अपने ओरिजिनल स्वरूप में 112 कैरेट से ज़्यादा का था, लेकिन ये जिन हाथों से होते हुए गुजरा उनमें से कई ने इसे छोटे छोटे हिस्सों में कटवाया। अपने मौजूदा रूप में इसका वजन 45.5 कैरेट का है, करीब करीब एक अखरोट के साइज का। ये दुनिया के सबसे मशहूर पत्थरों में से एक है। ये था तारीख। आखिरी में विश्व कविता। आज सुनिए फ्रांस के कवि रोबेर्ट साबातिए की लिखी एक कविता। इसका हिंदी में अनुवाद किया है हेमंत जोशी ने। कविता का हिंदी शीर्षक है पेड़ की यात्रा। आपने यात्रा शब्द सुना, हम भी एक यात्रा पर जा रहे हैं। लौट कर आएंगे कुछ दिनों के विश्राम के बाद, ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन। तब तक हमारे साथी दुनियादारी लेकर आपके सामने आते रहेंगे। उन्हें वैसी ही शाबाशी दीजिए, वैसा ही उनका हौसला बढ़ाइए, और बुलिंग तो बिल्कुल मत करिएगा। लल्लन टॉप के दर्शकों पर मुझे बहुत भरोसा है। नई आवाज़ों को, नई प्रतिभाओं को मंच दिया आपने, तभी तो लल्लन टॉप बना है। मैं जल्द आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, कुछ ही दिनों की बात है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभरात्रि। पेड़ गुजरता है सामने से, आदमी देखता है उसे और महसूस करता है उसके हरे बालों को। पत्तियों से लदी बांह हिलाता है पेड़, दीवार की ओर फिसलता है एक कोमल हाथ, शरद बटोरने वाला हाथ, और उपजाता है फल समुद्र को सहलाने के लिए। बच्चा जब आता है बोलता है जंगल, नहीं जानता बच्चा कि बोल सकते हैं पेड़ भी। रेत के घरौंदों की याद सुनी हो जैसे उसने, बूढ़ी छाल भी पहचानती है उसे, पर इस पीले चेहरे से डरती है। सब हटते जाते हैं और कुछ पत्तियां चुराता है वो, समूचा पेड़ हिलता है उसे विदा कहते हुए। एक नस के खातिर वो रोता है 7 जन्म, एक सितारे के लिए खोता है अपनी आँखें और बहा देता है अपनी जड़ें नदी में। गला सुखा देंगी आखिरी आहें जब वहाँ चिड़ियाएं नहीं बैठेंगी फिर कभी। कोई चीरता है वसंत को लगातार, छोटा पेड़ फैलाता है अपनी नंगी बाहें और कहता है कुछ शब्द जिन्हें चबा जाती है हवा। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।